इलाके में आया हूँ, मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष इश्ताक जागीरदार साहब से मुलाकात किया हूँ और वो जीएसटी के बारे में कुछ बोले। मैं सबसे पहले मुंबई मेट्रो को धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद धनुषधारी यादव को देता हूँ और उनकी पूरी टीम को देता हूँ। जीएसटी का एक्चुअली पूरे आज भारत में जितने भी भारतवासी हैं इन सब का एक ही मैसेज है, कोई नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ नहीं है, सब ये चाहते हैं जितने भी लघु उद्योग व्यापारी है वो व्यापारी पूरे के पूरे नाराज है। ये वही व्यापारी है जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अपने जेब से खर्चा करके नरेंद्र मोदी साहब को जिता के लाए थे। ये कहते हैं मोदी जी आएंगे, एक नया सपना सभी ने सोचा था, कुछ विकास होगा, लघु उद्योग व्यापारियों का कुछ भला होगा। अभी आप देखे हैं पिछले हफ्ते लाखों की तादाद में गुजरात और मुंबई में जीएसटी के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही है और वही रैलियां ने इतना जोर पकड़ लिया कि आज भारत के हर कोने में जीएसटी के खिलाफ रैलियां निकल रही है। सबसे पहले मैं मोदी जी को मैं इसके खिलाफ कुछ बोलूंगा नहीं, ये काम था अरुण जेटली साहब का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको समझना चाहिए था कैसे कदम उठाना चाहिए, जीएसटी लागू होने के बाद कितना देश का नुकसान होगा ये उन्हें सोचना चाहिए था। जो जनता ने अपना भारी बहुमूल्य वोट मत देकर मोदी जी को जिता के लाए थे उसका पूरा खराब करने का काम जो कर रहे हैं वो अरुण जेटली साहब कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिव है अधान्या साहब, उन्होंने खुद कहा कि जीएसटी में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है, जीएसटी में बदलाव लाना ज़रूरी है वरना आने वाले दिन में देश के अंदर बहुत जनता नाराज होगी और बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, जब से जीएसटी लागू हुआ हर किसान गरीब जनता व्यापारी लघु उद्योग सब परेशानी, मैं नहीं कहता ये भारत की जनता कहती है, आप जाकर पूछ लीजिए, हर घर घर में आज लोग परेशानी, बेरोजगारी बढ़ रही है, सपने जो सेका गया था देश का विकास का वो कौन सा सपना है, कब पूरा होगा ये हमें नहीं पता। हाँ कुछ बातें ऐसी थी कि अभी अरुण जेटली साहब ने कहा था कि जीएसटी लागू हो के 4 महीना हो गया, उसको ठीक करने के लिए साल भर लग सकता है, ठीक है हम वो बात को मानते हैं, लेकिन आपने विकास के बारे में कहा था कि हम 6 महीने में देश का काया पलट देंगे, मगर आज 3 साल हो गया, 4th वर्ष शुरू हो गया और 4 वर्ष के अंदर आप देख रहे हैं देश की हालात बहुत खराब है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, नौजवान पूरे परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कौन रोकेगा इन्हें। और मैं यही कहूँगा कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कानून के साथ में जो गरीब जनता है उसको देखना जरूरी है। आप सिर्फ मंत्रालय में बैठकर विधानसभा में बैठकर लोकसभा में बैठकर कानून रेगुलाइज करते हैं और वो गरीब के ऊपर कितनी तकलीफ होती वो नहीं देखते आप। आज हर घर में आप जाकर पूछ लीजिए कौन खुश है, चंद लोगों को मुट्ठी भर जो व्यापारी जो अच्छे लगे हुए हैं उन्हीं का फायदा हो रहा है लेकिन गरीब का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं एक साफ सुथरी बात कहूँगा, मेरे साथ में यहाँ पर कर्मवीर के जो संस्था है सेवा संस्था उसके अपने नवीन भाई कर्मान्या के साथ भी बैठे हैं जिनकी संस्था है और हमारी संस्था का मकसद यही है, मानवाधिकार संस्था हो कर्मवीर संस्था हो कि जनता को जो मार पड़ रही है वो मार नहीं पड़ना चाहिए। आज मुंबई का बहुत परेशानी आप देख रहे हैं, अभी अरुण जेटली साहब ने डिक्लेयर किया कि 10 दिसंबर को आसाम के गुवाहाटी के अंदर जीएसटी की तब्दीली करने के लिए बदलाव लाने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाएगा, एक कार्यक्रम होगा। तो ये क्यों नहीं सोचा जब तुमने कदम उठाया, तो आप क्यों सोच रहे, क्योंकि लोग सड़क पर उतर चुके हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन कुछ मीडिया दिखा नहीं रही है, जब ये आंदोलन आप देखेंगे लाखों की तादाद में पूरे भारत के अंदर लोग निकल चुके हैं। अब लोगों का सब्र का पाला टूट चुका है और ये सब्र का पला टूटकर बहुत बढ़ रहा है, आप जनता के पेट पे लात मत मारो, आप जनता के बारे में सोचो, जो अच्छी फैमिली है जो अच्छे बिजनेसमैन है उनका तो ठीक है, जो मिडिल क्लास के और जो छोटे परिवार जो गरीब लोग जो लघु उद्योग वो लोग आज बहुत परेशान है। मैं एक ही विनती करता हूँ, देश का विकास गरीब से होता है, देश का विकास चंद मुट्ठी भर पैसे वालों को मदद करने से नहीं होता, आप गरीब का दर्द जानने की कोशिश करो, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, उनकी मदद करने से कुछ होगा। मैं तो यही जानता हूँ जब से देश आजाद हुआ तब से सिर्फ मैंने अखबारों में देखा सरकार ने ये नियम निकाला गरीबों के लिए ये फायदे निकाला मगर आज तो गरीबों तक पहुँच नहीं पाता है और इस बार मोदी जी के ऊपर काफ़ी आशा है और वो आशा निराशा में नहीं होना चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, कोई भी चीज़ का दाम आप बिल्कुल ना बढ़ाए। आपको मालूम है एनटी रामाराव थे आंध्र प्रदेश के 2 रुपए किलो चावल दिया जाता था, कितनी जनता वहाँ पे खुश थी। ऐसा कोई कानून आप गरीबों के लिए क्यों नहीं करते, ऐसा कोई नई योजना क्यों नहीं लाते जिससे गरीब खुश हो और हमेशा देश के आपके गुण गाते रहे। मगर यहाँ तो हर एक के जबान पर सिर्फ
बद्दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है, सबके साथ एक दुख भरी कहानी हर एक लोग सुना रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि गरीब का नारा वो ही इस देश का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री से इतना रिक्वेस्ट है कि गरीबों का दुख दर्द समझ कर आप कदम उठाइए। अब हालात बहुत बहुत बिगड़ चुके हैं, आप देख लीजिए। और मैं उस मीडिया से भी कहूंगा कि जो ये रैलियां निकल रही है आप उसको दिखाने की कोशिश करें। मैं धन्यवाद देता हूँ मेट्रो न्यूज का, आज काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, मगर हम नहीं चाहते कि कुछ मोर्चा ये निकाले क्योंकि कोई परमिशन नहीं था। मगर आज हम एक प्रेम का संदेश देना चाहते हैं, देश का विकास तब होगा जब इस देश में गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वरना वही माहौल है कि आप डोनेशन दोगे तो ही डॉक्टर के बच्चे का एडमिशन होगा। आज भी हालात वही है, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं। और जीएसटी से आप जाकर होटल में देखो, लोग अपने पॉकेट देखते हैं, 5 रुपए की चाय 50 रुपए हो चुकी है, कौन चाय पिएगा? ये गरीब की हालत आ चुकी है, 50 रुपए की चाय ये मामूली बात है। आप जाकर देख लीजिए, जितने व्यापारी होटल वाले खुद कहते हैं हमारी गलती नहीं साहब, ये आपको जो सवाल करना है मोदी जी से कीजिए, हमसे मत कीजिए। कितने शर्म की बात है कि एक गरीब आदमी होटल में बैठकर चैन से चाय नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता। ये वही कर सकते जो चंद मुट्ठी भर पैसे वाले लोग है, वही गुनगाते हैं, मगर देश में 80% लोग आज जीएसटी से परेशान है। इसमें बदलाव होना चाहिए और तब्दीली आना चाहिए। जीएसटी को लागू नहीं करके उसको कैंसिल करना चाहिए। हम यही मांग करेंगे, हम जनता के पेट में लात मारने की बात नहीं करेंगे, जनता का साथ देने की बात करेंगे। बस इतना ही मैं कहूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई कम किया जाए, व्यापारियों का ख्याल रखा जाए, गरीब का ख्याल रखा जाए, किसान का ख्याल रखा जाए, तब देश का विकास होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।